ये डायग्राम आपको बन के ही आएगा पहली बार, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर, ठीक है, ये एंगल अंदर बना हुआ है इस ट्राइंगल के, इसीलिए इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, ये इस ट्राइंगल के, देखो ये जो ट्राइंगल है ये देखो पी, ये क्यू और ये आर, ये अंदर एंगल है ट्राइंगल के, और ये पी आर एस कहाँ है, देखिए पी आर एस एक्सटीरियर है, बाहर बना है इस ट्राइंगल के, बाहर बना, ये बना है बाहर पी आर एस, यहाँ एस है इस तरह से, तो ये एक्सटीरियर एंगल है बाहर बनाइए, एक्सटीरियर ए एन जी एल, ये इंटीरियर एंगल है अंदर है जो, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में पी क्यू आर में इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, अब यहाँ से ये, यहाँ से जो एंगल जाएगा वो टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पे, और प्रूफ दैट आपको क्या करना है, क्यू टी आर, क्यू टी आर, अब इसको यहाँ से मिला दी, चित्र तो बन के ही आएगा वो तो पूरा, तो क्यू टी आर जो है ये क्यू टी आर वो इज इक्वल टू है हाफ ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर का आधा है ये एंगल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है जो, मैं तो थोड़ा समझा देता हूँ पहले, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में यहाँ पे मान लो एक्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है वाई, और ये एक्सटीरियर एंगल ये ए मान लो, तो एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बाहर वाला एंगल इन दोनों, इसके सामने वाले दोनों एंगलों का सम होता है, ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, इसे हल करना बहुत आसान, पहले ये ट्राइंगल लो फिर बाद में ये ट्राइंगल लो, पहले ये ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर, देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में लिखो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये जो बाहर वाला एंगल है पी आर एस, तो एंगल पी आर एस इक्वल टू वो क्या होगा, इन दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू एंगल, ये एंगल कैसे होगा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, और ये वाला कैसे होगा पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, यानी ये जो बाहर एंगल है वो इन दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा, जैसे ए बराबर एक्स प्लस वाई है, समझ में आ रही बात। अच्छा अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्यू पी आर के आगे हाफ चाहिए, वन अपॉइंट टू चाहिए क्यू पी आर के आगे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में वन अपॉइंट टू का इंटू कर देंगे, तो हमें यहीं से करना पड़ेगा, वन अपॉइंट टू का इंटू अपनी तरफ से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक्सटीरियर है ही, ई एक्स टी लिख दो एक्सटीरियर, तो वन अपॉइंट टू ई एक्स, तो इंटू कर रहे हैं वन अपॉइंट टू का, तो एक्सटीरियर वन अपॉइंट टू इंटू एंगल पी आर एस इजकल टू वन अपॉइंट टू क्यू पी आर प्लस वन अपॉइंट टू पी क्यू आर, सब में हमने क्या किया वन अपॉइंट टू का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा आप देखिए पी आर एस का आधा कितना होगा, देखो पी आर एस का आधा हम लिख लेंगे टी आर एस, क्योंकि आगे चल के हमें टी आर एस ही, इस वाले ट्राइंगल के लिए टी आर एस बाहर का एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे पी आर एस का आधा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं देखो डायग्राम में दिए, तो पी आर एस का आधा क्या ले लेंगे टी आर एस, इस पी आर एस का आधा टी आर एस, ये समझो, तो इसमें क्या होगा हाफ ऑफ पी आर एस, पी आर एस का आधा हो जाएगा एंगल टी आर एस, इसका आधा ये, ठीक है, इजकल टू अब हाफ ऑफ क्यू पी आर, तो क्यू पी आर तो हमें चाहिए, तो इससे तो ऐसे ही रहने दो, इससे मत बोलो क्योंकि ये तो हमें लाना ही है प्रूफ में, समझ गए, अब इसको जरूर हटाना पड़ेगा, ये नहीं लाना, तो क्यू पी क्यू आर देखो कहाँ पे है, पी क्यू आर का आधा टी क्यू आर लिख सकते हैं, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहने देंगे प्लस एंगल टी क्यू आर, इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए तो इसका आधा समझ में आ गया ना, वन अपॉइंट टू पी क्यू आर, देखो वन अपॉइंट टू पी क्यू आर का आधा टी क्यू आर, इस पूरे एंगल का आधा ये एंगल, क्योंकि ये दोनों बराबर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, बस यही मेन समझना है, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, पी आर एस देखिए, पी आर एस का आधा टी आर एस और पी क्यू आर का आधा टी क्यू आर, तो ये जो आधे किए हैं वो समझ लीजिए। अब हम देखेंगे नाउ, अब ये वाला ट्राइंगल ले लो टी क्यू आर, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, तो इसमें भी लिखो बाई
एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा ये, अब इसमें बार का एंगल कौन सा, टी आर एस, इसमें बार का एंगल टी आर एस, तो एंगल ई एक्स टी, ई एक्स टी एक्सटीरियर, ई एक्स टी एक्सटीरियर एंगल टी आर एस, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस, टी आर एस बराबर क्या होगा, अब इन दोनों के बराबर होगा ये, एक तो ये हो जाएगा क्यू टी आर, तो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल ये वाला को क्या क्या ऐसे होगा, टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लो आप, ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो इधर का हिस्सा देखो दोनों बराबर है, ये देखो एक्सटीरियर टी टी आर एस ये दोनों बराबर है, अगर एल एच एस बराबर तो आर एच एस भी बराबर होगा, तो इन दोनों को भी बराबर करके लिख दो। देखो तो हमको ये 1/2 वाला उधर की तरफ रखना है, तो पहले इसको लिख लो, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इजकल टू, ये लिख लो आप हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कट क्या आ रहा है, देखो ये टी क्यू आर, टी क्यू आर कट जाएंगे, टी क्यू आर देखो एक जैसे हैं, बचा क्या एंगल क्यू टी आर इजकल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये बचा, यही प्रूफ करना था प्रूफ, ठीक है ना, लिख लीजिए आप इसको।